ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। उससे तो यार एक बच्चे को मार डालेंगे, कोई दो तीन दिन चार दिन के बच्चे को ऐसे इंजेक्शन लगता है क्या? तो मेरे कल 181 भी बोल रहा है इसके से 181 भी चिकाई दिया। 9 बजे मैडम ने बोला था 9:30 बजे तो बच्चा को ब्लड लेके आओ। तुम्हें बात मांगा है अमनदार ब्लड चेक करने, मेरा ब्लड निकालने ब्लड लेके आओ। हम सुबह से आए यहाँ, 25 बार आ गए हम, बोले हमारे बच्चे से मिल लें दो हमको, इनने नहीं मिलने दिया। भाई हमारे बच्चों को अगर तकलीफ हुई तो हम दूसरे हॉस्पिटल ले जाएं, तो बोले नहीं, बोले कुछ तकलीफ नहीं है आपके बच्चे से, आप मिल नहीं चले हो, एप्लेसन वो फैलता है बोले इस यहाँ पे, इसलिए हमको सुबह से परेशान हो रहे हैं हम। फिर अभी क्या हुआ? और अभी 1 बजे बोल रहे, बोले हमारे लड़के को मिल दिया हमने अमलदास, बोले भी लेट लेके आओ वहाँ से आओ, बोले उसके बाद हम आए तो बोले लड़का वहाँ गया और हम आए तो बोले बोले वो तो शांत हो गया, बोले बुला लो उनको। उसके हाथ में ऐसी सुई लगी है, उनने खून निकाला, उसके दिखे नहीं जा रहा है। अच्छा। अभी वो मैडम ने बोला था अंदर से डॉक्टर है, वो अंदर जाने थे हमको, जब मालूम पड़ेगा डॉक्टर ने है कि वो बेलदार है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुधान सिंह। क्या लगते हैं आप बच्चे के? दादाजी आया था बच्चे को, मेरा बच्चा खाली हल्की सी बुखार थी तो रो रहा था वो, बस ये तकलीफ थी तो मैडम ने आईसीयू में रख दिया। 24 तारीख के दिन शाम को मैं आया था यहाँ पे 1 बजे, 12:30 1 बजे 12 बजे खुल थी, 12 बजे आए थे बरोटा हॉस्पिटल से। नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी घरवाली को, कुछ भी समस्या थी, आज बुखार हो रही है इसके लिए आया था मैं, आईसीयू में रखा रात भर, तो रात भर में आराम पड़ गया बच्चे को, फिर नीचे शिफ्ट कर दिया। अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी मैं रात को मेरी मिसेज को 5 बजे इन्होंने उससे बच्चे से दूर कर दिया। मैंने ये पूछा उनसे कि भाई क्या हो गया, तो आप बार बार परेशान कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो मेरे बच्चों को पिलिया देख लो हल्का सा, उन्होंने यहाँ लेके आए, यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे कब लेके आए थे? 5 बजे लेके आए थे शाम को, तो चेक करवा लिया यहाँ से, कल शाम को चेक करवाया यहाँ से, कुछ उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी। अभी आपको क्या सूचना दी है? यहाँ पे थोड़ी मेरे को बता दिया अमलदास ब्लड के लिए, तो बोले वो जाँच लेके आओ, ब्लड लेके आओ फोन, यहाँ मेरे को फोन लगा, उसके बाद 10 मिनट बाद मैंने बताया बच्चा शांत हो गया। अमलदास का किसने बोला? मैंने सर डॉक्टर ने बोला, मेरी पर्ची थी मेरे। क्या बोला? कि अमलदास जाओ तुम। डॉक्टर का नाम पता आपको? कौन नाम नहीं पता, अंदर है मैडम, मैडम अमलदास काहे के लिए भेजा था? ब्लड ये ब्लड हो गया कि आप सर ब्लड लेके आओ। अभी आपने लापरवाही की सूचना किसको दी? मैंने यहाँ पे इनको सर को बताया, मैंने न्यूज़ वाले फोन लगाया फोन। क्या नाम है आपका? देवेंद्र गांव। कल्पना सेप्सिस की वजह से सस्पेक्टेड लग रहा है, और अपने यहाँ पे बच्चा 24 तारीख को रात में 11:40 पे आया था, ठीक है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है और बुखार आ रहा है, इसकी कंप्लेंट से आया था। उसके बाद में अपन ने ट्रीटमेंट किया, बुखार उसका ठीक हो गया और दूध चालू कर दिया, फिर बच्चा कल से दूध पीना फिर से कम कर दिया था, तो नाइट में 12 बजे बच्चे को आईसीयू में फिर से ले लिया गया और ऑक्सीजन चालू की गई, फिर बच्चा 2:30 बजे और ज़्यादा सीरियस होने लगा, तो उसको अपन ने सीपेप एक मशीन होती है, जब बच्चे सांस लेने में दिक्कत होती है तो मशीन चालू करते हैं, वो मशीन चालू करी और ट्रीटमेंट और कुछ चालू किया। फिर अब जब मेरी मॉर्निंग ड्यूटी आई तो उस टाइम पर बच्चा ज़्यादा सीरियस लगा और उसको नीचे से पेट के नीचे से खून आ रहा था, उसके लिए अपन ने अमलतास में FFP एक ब्लड होता है पीला टाइप का, उसके लिए फॉर्म भर के दिया था। सर वो यहाँ पर नहीं मिलता क्या? नहीं, वो अपने यहाँ अवेलेबल, अमलतास में वो अपना अटैच है वहाँ पे। अच्छा, हाँ सर, लेकिन कलेक्टर साहब ने जो परिजन इनका आरोप ये है सर जी कि बच्चा 12 घंटे पहले मर चुका है और नहीं 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 अभी दी हुई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कितने बजे जी आरोप? बिल्कुल निराधार। मौत कितने बजे? मौत अभी 11:55 पे हुई है, तो वो अमलदास में थे तो उनको फ़ोन के कर दिया कि अब भैया ब्लड लेके इंतजाम नहीं करो क्योंकि बच्चा ख़त्म हो गया है। कौन सा ब्लड चाहिए था? FFP पीला का होता है ब्लड। बच्चा जब यहाँ पर भर्ती किया गया था उसकी क्या स्थिति थी? उस टाइम पे बच्चे को बुखार था, वो दूध नहीं पी रहा था, तो अपन ने ट्रीटमेंट दिया तो थोड़ा सुधार आने लगा। परिजनों का बड़ा आरोप है कि बरोठा अस्पताल में हमने नॉर्मल डिलीवरी की, बच्चा पूरा स्वस्थ था। नहीं देखो, स्वस्थ होता बच्चा तो बरोठा वाले कभी नहीं रेफर करते, ये तो आप लोग भेजा, हाँ रेफर आया है। बोल रहा था सिर्फ नहीं नहीं रोना के कारण बच्चे, हाँ 24 तारीख को रात में 11:40 पे आया है तो इमरजेंसी थी। मतलब
मेरा नाम डॉक्टर अनुपम जैन, ड्यूटी डॉक्टर, SNCU, जिला अस्पताल देवास।